मैं आपको चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत आसान सा बनेगा। ग्लेंडर बनाएंगे, हाफ कप ऑयल, कोई से भी ऑयल ले लेंगे बगैर खुशबू का हम, सही है, हाफ कप, और हाफ एक हाफ कप बलाई है, और एक दानेदार कप शक्कर है, एक कप शक्कर है, दो अंडे मैदा है हमारे एक कप, चार चमचे अंडे हैं दो अदद, रूम टेम्परेचर में फ्रिज में रखी हुई ना हो, जब केक बनाते हैं सब चीज़ें हमारी रूम टेम्परेचर में मुराद फ्रिज में ना रखी हो। बेकिंग पाउडर एक चमचा, सिरका एक चमचा, दूध आधा कप, नमक एक चुटकी, सोडा हाफ चमचा, और वनीला एसेंस एक चमचा। अब हम क्या, मैंने ये चमचे यूज़ किया जो हम घर में यूज़ करते हैं आम चमचा, सही है। अब हम मैं अपने पतीला ग्रीस कर रही हूँ हाथ से, हर एक के पास ब्रश नहीं होता, हम अपने पतीला हाथ से ग्रीस करना बता रही हूँ आपको। मैं हाथ से सब ऑयल लगा लूँगी, बटर पेपर रखूँगी इसके अंदर, और उसके ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे, इससे हमारा केक अच्छा डीमोल्ड होगा। और सबसे पहले हम अपना जो भी केक का मोल्ड होगा पतीला, उसको ग्रीस करके रखेंगे, ठीक है। अब हम पतीला प्रीहीट करेंगे 20 मिनट पहले। ये नमक यूज़ कर रही हूँ 2 कप, इसको जब बार बार हम केक बनाते हैं मैं यही नमक यूज़ करती हूँ, जब ठंडा हो जाता है मैं थैली में भर के रख लेती हूँ। देखिए ये 2 कप नमक है, इसको हम पतीले में डाल लेंगे अपना, इसकी रंगत चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने बहुत दफ़ा मैंने इसको केक बेक किया है, ये ख़राब नहीं होता। जब ठंडा हो आप उसको थैली में करके रख लें। ये 2 कप नमक है, आम नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसकी रंगत देखिए चेंज हो गई है। मैं इसको काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बेक की है, इसको हम आधा घंटा पहले प्रीहीट कर लेंगे भगोने को, और एक स्टैंड रखूँगी इसके अंदर में, ठीक है। केक बेक करने के लिए जो भी चीज़ बेक करें, बिस्किट कुकीज़ स्टैंड नमक, और आधा घंटा पहले पतीला प्रीहीट करेंगे, ये आँच होगी। अब मैदे में हम क्या करेंगे, अपना नमक बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैदा मेरा 2 दफ़ा छना हुआ है, सही में छान के रखा मैंने मैदा, और ये बेकिंग पाउडर है 1 चमचा, सोडा आधा चमचा, नमक 1 चुटकी। ये तीनों चारों चीज़ों को हम जो ड्राई चीज़ें इसको डाल के मिक्स कर लेंगे। ये मैदा है मेरा 1 कप 4 चमचे, बेकिंग पाउडर 1 चमचा, सोडा हाफ चमचा, और नमक 1 चुटकी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको हम फिर कोको पाउडर है 4 चमचे, मैंने भर के लिए 4 चमचे, ठीक है, या क्वार्टर कप। सबसे पहले हम ग्राइंडर में बना रहे हैं तो केक बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दानेदार शक्कर यूज़ किए मैंने इसके अंदर 1 कप, अगर आप मीठा टेस्ट करते हैं थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये मीठा बिल्कुल स्टैंडर्ड मीठा होगा, ना ज़्यादा ना कम। कोको पाउडर डाल लें इसके अंदर 4 चमचे, अगर आप चाहें तो इसके अंदर ही दूध डाल लें तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। और इसके अंदर मैं डालूँगी अंडे, अंडे मेरे चेक किए हैं, 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर में। हम जब भी केक बनाते हैं तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, अक्सर मैदा कोको पाउडर अंडे फ्रिज में होते हैं, अंडे तो फ्रिज में होते हैं तो हम पहले निकाल लेंगे। और इसके अंदर मैंने क्रीम भी यूज़ की है, क्रीम से हमारा केक का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये ऑयल जा रहा है 1/2 कप, ऑयल कोई सा भी ले लेंगे बगैर खुशबू का, मैंने डालडा ऑयल यूज़ किया इसके अंदर। और इन तमाम चीज़ों को मैं ग्लेंडर में मिक्स कर लूँगी, इतना कि दानेदार शक्कर यूज़ की है वो मेल्ट मतलब घुल जाए हमारी, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको ग्लेंडर को, सब चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, अंडा भी अच्छा फूल जाएगा, और केक बनाना ग्लेंडर बहुत ही आसान होता है। पतीला देखिए हमारा प्रीहीट हो रहा है, हम पतीले को आधा घंटा पहले प्रीहीट कर देंगे, जो मैंने आपको आँच दिखाई उस आँच के ऊपर, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ एक बड़ा बाउल, बाउल के अंदर मैं डालूँगी अपना थोड़ा मैदा, मैदा मैं 3 हिस्सों में यूज़ करूँगी, थोड़ा मैदा डालूँगी इसके अंदर मैं, और अपना जो मैंने कोको पाउडर ऑयल शक्कर और ये मैंने ग्लेंड किया, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के, और एक ही डायरेक्शन में हम अपने हाथ को चलाएंगे, हमारा केक बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत जल्दी केक तैयार हो जाता है ये। इसको हम मिक्स करेंगे और दूध डालते रहेंगे, दूध आप ऐसा करिए ग्लेंडर में ही डालिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। दूध मैंने 1/2 कप लिया है, अगर आपको लगे आपको बैटर आपको गाढ़ा लग रहा है, बाज़ मैदा ज़्यादा यूज लेता है दूध, तो आप 2 या 3 टेबल स्पून दूध बढ़ा सकते हैं। फिर मैं अपने वो डाल रही हूँ कोको पाउडर का बैटर और मैदा यूज़ कर रहा है मैंने, ये बलाई है मैंने छन्नी से छान ली है, दूध की जो आम बलाई यूज़ करते हैं हम घर में दूध बॉयल करते हैं ना, उसमें से ऊपर से उठाई है मैंने, 1/2 कप लिए मैंने और 2 दफ़ा छन्नी में छान के, इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनेगा, बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकती हैं। और बाकी बचा हुआ दूध मैंने डाल दिया है और मैदा डाल रही हूँ इसके अंदर में, और एक ही सिम में हम इसको हिलाएंगे या मूव करेंगे,
बाकी मैदा सारा मैं डाल रही हूँ और इसमें मैं एक चम्मच सिरका डालती हूँ। केक हमारा बहुत ही स्पंजी बनेगा, आपको दिखाऊंगी कितना स्पंज बनेगा इसके अंदर। ये मैं सब चीज़ें डाल ली हैं और इसमें देखिए बबल्स आना शुरू हो गए हैं और इसमें कोई भी हमारे ना लम्स नहीं होना चाहिए। और जब केक हमारा तैयार होगा तो 2 से 3 मिनट लगेगा हमको मिक्स करने में। और केक की जब हम डालेंगे अपने मोल्ड के अंदर तो हमारी रिबन जैसी जब गिराएं तो रिबन जैसा नीचे बने। ये मैंने अपने पतीला ग्रीस करके अब तैयार कर लिया। अब मैं इसमें सारा केक का बैटर इसके अंदर डालूंगी। इसकी कुकिंग टाइमिंग पूरे 1 घंटा है। आप 50 मिनट बाद या 45 मिनट बाद अपने केक को चेक कर लीजिएगा। हल्की आंच पे रखेंगे तो पूरा 1 घंटा बाद जब पतीला हल्का होता है हमारा या आँच का मसला होता है तो 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मेरा केक बिल्कुल 1 घंटे में बेक हुआ है। मैं सारा बैटर इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद मैं पतीले में रखूँगी। अच्छा, मैंने 5 चमचे शक्कर लिए और 5 चमचे पानी, इसको मैंने बना लिया अपना शक्कर का सिरप जो केक में यूज़ करेंगे। अब मैं अपना केक का बैटर रख रही हूँ इसके अंदर पतीले के अंदर। पतीला प्री हीट था मेरा पहले से, आधा घंटा ये आँच होना चाहिए हमारी। इस आँच पर हमारा केक बेक होगा तकरीबन 1 घंटा। देखिए 1 घंटा हो गया, मेरा केक बेक हो गया। मैं चेक करूँगी, अगर आपको छुरी से अगर स्टिक नहीं है तो बिल्कुल क्लीन आना चाहिए तो आपका केक रेडी है। किनारे भी छोड़ दीजिए तो हमारा केक रेडी हम समझ जाते हैं, लेकिन कोई छुरी डाल के चेक करेंगे केक हमारा अगर गीला होगा तो 5 मिनट हम और पकने के लिए देंगे। देखिए केक अच्छे बनने की पहचान है, केक बहुत ही सेंटर से फूल जाता है। देखिए केक सेंटर से बहुत फूला हुआ है। अब केक को ठंडा कर लेंगे जब डीमोल्ड करेंगे हम, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए। मेरा केक ठंडा हो गया है, किनारे मैं छुरी की मदद से हटाऊंगी और उसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी। केक बिल्कुल ठंडा हो जब ही डीमोल्ड करेगा, गर्म को केक को यूज नहीं करेंगे डीमोल्ड, केक टूट जाता है। मैंने डीमोल्ड कर लिया है, अब मैं बटर पेपर इसमें क्लीन कर रही हूँ। देखिए कितना स्पंजी बना है हमारा केक। और ये देखिए मैं ऊपर का जो फूला है सेंटर का मैं सिर्फ सेंटर से काटूंगी, ठीक है। इसको हम कोई पेस्ट्री वगैरह बना लेंगे, इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें भी बाद में गनाश लगा लूँगी मैं। फिर लेबल में करने के लिए मैंने सेंटर का हटाया है। अब मैं छुरी की मदद से जिस सेंटर के अंदर निशान लगाऊंगी, जो हमारी आम छुरी होती है, पूरे राउंड के अंदर निशान लगा लूँगी। फिर एक घर का थ्रेड यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, इसको बीच में सेंटर से काटने के लिए। हर एक के बाद देखिए तमाम चीज़ें नहीं होती हैं बड़ी छुरी केक के लिए, हम अपने घर की सामान यूज़ करेंगे ताकि जो चीज़ घर में उसको बनाने में हमारी आसानी हो। मैं धागा यूज़ कर रही हूँ जो घर में सिलाई में यूज़ करते हैं, जो हमने निशान लगाए थे छुरी से उसी में धागा लगाएंगे। और देखिए मैं इसको काट रही हूँ और बहुत ही आसानी से कट जाएगा केक, इतना सॉफ्ट स्पंजी बनता है। ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ, ये देखिए पूरा धागा आपको बैक साइड चला जाए आपका केक कट जाएगा। ये देखिए हमारा केक कट गया, धागा बाहर आ गया। अब मैं इसको केक को अलग कर लूँगी, ये देखिए मैंने अलग कर लिया। देखिए कितना अच्छा स्पंज बना इससे, सिरका यूज़ करने से, बेकिंग पाउडर, सोडा यूज़ करने से और बलाई, कितना अच्छा स्पंजी हमारा केक बना है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये मैंने शक्कर ली थी, 6 चमचे शक्कर ली थी, 6 चमचे पानी लेके मैंने इसको 2 से 3 मिनट खुलाया था, एक जोश आएगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। इससे हमारा बहुत ही अच्छा शुगर सिरप बनता है। ये केक में ज़रूर लगाया करें, इससे केक बहुत सॉफ्ट बनता है। और केक में जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे, सिरप हो, गनाश हो, जब केक भी ठंडा हो, सिरप भी ठंडा हो, गनाश भी ठंडा हो, गर्म चीज़ कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे। फिर दोनों अपने केक के हिस्सों पर शक्कर शुगर सिरप लगा लूँगी। देखिए आप स्पंज देखें कितना ज़बरदस्त बना है, इसके अंदर कितने सारे होल्स आ गए हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बना है। अब मैंने गनाश आपको बनाना सिखाया है, इसका लिंक मेरे ऊपर आ रहा है। ये गनाश बहुत ज़बरदस्त बनता है और चॉकलेट केक भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये केक को हम बनाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे नीचे फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करके खाएंगे। जितना केक ठंडा होगा ये इतना ही मज़ेदार लगेगा। अब मैंने इसको देखिए रख दिया है, ऊपर से गनाश डालूंगी इसको मैं। ये बहुत केक सस्ता बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अगर एक दफ़ा केक बना लेंगे आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बार बार आप ये केक बनाएंगे। हमारे घर की केक बनते तो आधे घंटे में 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, ठंडा होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है केक। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। सब चीज़ें लगा लूँगी और इसको ऊपर से डेकोरेट करूँगी मैं। चॉकलेट होती है डार्क चॉकलेट होती है, उसको हम छुरी की मदद से काट लेंगे, ऊपर से डाल लूँगी मैं। इससे एक तो लुक बहुत ज़बरदस्त आएगा, आपने मेरी स्टार्टिंग पिक्चर्स देखी होंगी, कितना ज़बरदस्त का लुक आया है और खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। अगर चाहें तो सेंटर में भी चॉकलेट काट के रख सकते हैं। अगर आपके चॉकलेट नहीं है तो डेरी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ करी है। तो इसके ऊपर से बारीक बारीक देखिए छुरी से काटेंगे और चॉकलेट हमारी ठंडी होना चाहिए, ठंडी चॉकलेट डालेंगे। अगर हमारी चॉकलेट गर्म होगी तो मेल्ट हो जाएगी, कटने में मेरी मसला हुआ, हल्की ठंडी चॉकलेट होगी। देखिए ऊपर से मैंने चॉकलेट डाल ली है,
और केक बहुत सॉफ्ट बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं उसको कट करके भी दिखाऊंगी अंदर से कितना स्पंची केक बनता है। ये किनारों में अगर गनाज बचे वो भी लगा लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट कितना स्पंची और देखने में कितना ज़बरदस्त लगा है। बहुत कम बजट में बेहतरीन केक जो हम बड़े बड़े बेकरी से खाते हैं उसी तरह का जायका। बना के देखेंगे दफ़ा इसको, हर दफ़ा आप यही केक बनाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट है कितना स्पंची है, ये अंदर से भी देख लें आप कितना ये सॉफ्ट है। फिर मिलेंगे हम आसान सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। जो बजट हो हमारे घर का उसी में चीज़ें बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।